तू कुछ भी बोल कन्हैया, लेकिन अज्जू है बहुत हिम्मती लड़की। अरे सुषमा जी, क्या हुआ पकौड़ों का? हाँ बस आ गए कन्हैया। कैलाश भाई साहब। अरे शाम को आने वाला था इस वक्त। अरे भाई खबर ही ऐसी है कि शाम तक रुका ही नहीं गया। ये कहो मेहर की मिठाई है। नहीं, खुशखबरी के साथ मुंह मीठा करना जरूरी होता है, इसलिए लीजिए भाभी। अरे लेकिन पर खुशखबरी किस बात की भाई? अपनी पूजा की, रिश्ते की। जिस लड़के के बारे में मैंने फोन में बात की थी ना, उससे हमारी पूजा की कुंडली मिल गई है। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। कैलाश एक बात कहूं, तूने ये खबर सुनाकर ना हम सबको बहुत बड़ी खुशी दी है। भाई साहब लड़के का कोई फोटो लाए हैं क्या आप? बिल्कुल लाए हैं भाभी, ये देखिए। अभी लड़का कैसा लगा? लड़का तो बहुत अच्छा है। अरे स्वभाव का भी बहुत ही नेक और मिलनसार है, और सरकारी नौकरी है तो बंगला गाड़ी सरकार की तरफ से, और घरेलू स्थिति भी बहुत मजबूत है। अरे पुराने रईसों में से हैं ये लोग। हाँ सुषमा, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी देर मत करो, जल्दी से पूजा से बात करके इस रिश्ते के लिए फौरन से हाँ कर दो। बस अब और नहीं, ये शादी जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। आप ठीक कह रही है जीजी, लेकिन इस रिश्ते को मंजूर करने से पहले हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त भाभी? यही कि आप अलका को माफ कर देंगे। भाई साहब अलका ब्रह्मा जी की बहू है और हम सबने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। अगर आप अलका को माफ कर देंगे तो हमें पूजा के इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, वरना माफ कीजिएगा भाई साहब, घर में क्लेश के इस माहौल में हम पूजा की डोली विदा नहीं करेंगे। क्या सोच रहा है कैलाश? अलका अब हमारी बहू है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ भाई साहब भूल जाइए ना वो सब। ठीक है, अब मुझे भी अलका से कोई शिकायत नहीं। तो फिर ठीक है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। क्यों जी? ये हो गए वर्मा जी के टेंडर के पेपर्स, ये हो गया फैक्ट्री में लगने वाले मशीन का हिसाब, और ये हो गया कच्चे माल का महीने भर का बजट। अब बचा टोटल खर्चा और फैक्ट्री के मुनाफे की अकाउंट वाली फाइल। कहाँ गई वो, कहाँ गई? लो वो तो राज देख रहा था, अभी उसे फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ है। अजीब बात है, पूरी पूरी बेल जा रही है पर वो उठा ही नहीं रहा है। ऐसी क्या बात हो गई? या तो ये राज ना भाव खा रहा है या तो सच में वो परेशान है। उस दिन भी जब वो शिवालय आया था तो बड़ा परेशान सा लग रहा था। अज्जू वही तो बात है, तेरा दोस्त राज इस वक्त बहुत परेशानी में है।
उससे मिलना ही होगा। एक दोस्त होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी ही होगी, उसे मिलने जाना चाहिए। लेकिन उसका एड्रेस 1/16 गली नंबर 34 गंगा विहार मलधैया। हाँ, यही तो एड्रेस बताया था उसने, मुझे अभी उससे मिलने जाना चाहिए। अरे भैया जी जल्दी चलाइए ना, कितनी स्लो चला रहे हैं आप। तो ये राज फोन नहीं उठा रहा मेरा। राज 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 राज, अरे रोकिए रोकिए। हेलो राज, अज्जू मैं अपने बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करना प्लीज। तो मिस्टर स्ट्रगलर ऐसी चल रही तुम्हारी मीटिंग, झूठ क्यों बोला मुझसे? लो तुम्हारे तो बोलती ही बंद हो गई। इन सारे सवालों के जवाब मैं तुमसे फुर्सत में लूंगी, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारी दीदी की तबीयत कैसी है? दवाई से आराम मिला? अरे यही पूछने के लिए मैं तो तुम्हें कब से फोन कर रही थी, और तुम मुझे कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो, क्या बात है राज? अजू मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूं। एक मिनट, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे इतने सारे सवाल पूछे हैं, कम से कम एक का तो जवाब दे दो। मुझे माफ कर दो अजू, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी दी की जिंदगी के लिए मुझे तुम्हें और इस रिश्ते को भूलना ही होगा। राज ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, बोलो ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार में तुम्हें बात समझ नहीं आ रही कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, क्या प्रॉब्लम है बोलो। राज ये तुम कैसी बात, कैसी बातें करूं? ये बताओ, फोन नहीं उठाया मतलब कुछ जरूरी काम होगा इसलिए फोन नहीं उठाया, ऐसे पीछे पीछे आने का क्या मतलब है? और जो बोलती हो तो कर लेता हूं मैं, फैक्ट्री में जरूरी काम होता है वहां आ जाता हूं, घर पे काम होता है वहां आ जाता हूं, जो बोलती हो कर लेता हूं। मेरी भी कुछ लाइफ है, तुम्हारे कारखाने में काम करके मेरा करियर नहीं बन जाएगा। और क्यों दूं मैं तुम्हारे सवालों के जवाब, बताओ? तुमसे कोई कर्जा ले रखा है मैंने या तुम्हारा गुलाम हूं मैं? राज तुम ऐसे क्यों बात कर, क्यों क्या बात कर रहा हूं? जस्ट शट अप नाउ, ओके? अभी दोस्ती हुई है कि हर 5 मिनट में फोन, हर पल कोई ना कोई सवाल, यही काम है मेरे को सिर्फ, तुम्हारे फोन अटेंड करता रहूं और तुम्हारे सवालों के जवाब देता रहूं। देखो जो तुम्हें जो करना है तुम करो, जिससे बदला लेना है लोग, लेकिन मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करो प्लीज, जस्ट लीव मी अलोन। बेचारा, लगता है बहन का माइग्रेन इसके सर पर चढ़ गया है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा। ऐसे लोगों की फ्रस्ट्रेशन में समझ सकती हूँ, मानती हूँ मेरी फैक्ट्री का मैनेजर है, लेकिन तनख्वाह भी कहाँ देती हूँ मैं इसे? इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ऐसी ड्राइवरगिरी कर रहा है, कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ये कौन सी खेत का मूली है? खैर कोई बात नहीं, जब इसका गुस्सा ठंडा होगा फिर से फोन पर बात कर लूंगी। भैया जी चलिए फिर से घर। ये क्या है माँ? पूजा बेटा तू इसे खोल कर तो देख। ये कौन है? पहले तो ये बता ये लड़का दिखने में कैसा है? ठीक है ठीक है, ये अच्छा है। हाँ
मतलब अच्छा है, लेकिन ये किसकी फोटो है और आप लोग मुझे क्यों दिखा रहे हैं? पूजा, तुझे ये लड़का पसंद है ना, हमारी सब परेशानियां दूर हो गई। इस घर के लिए और अपने दोस्तों के लिए तूने बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। हम इस लड़के से तेरे रिश्ते के लिए बात करने वाले हैं पूजा। कैलाश भाई साहब आज ही गांव से लौटे हैं, कह रहे थे तुम्हारी और इस लड़के की कुंडली भी मिल गई है। वो भी पूरे के पूरे 36 गुण। और अब तुझे भी लड़का पसंद है, इसका मतलब हम रिश्ते के लिए हामी भर सकते हैं ना? पूजा, तू नहीं जानती ये रिश्ता तेरे लिए कितना शुभ है। जानती है, जब इस रिश्ते की बात हुई ना, तो कैलाश ने अलका को माफ कर दिया। इस घर में फिर से खुशियां लौट आई बेटा, फिर से शांति लौट आई, और अब हमारी ये इच्छा है कि तेरी जिंदगी में भी रंग भर जाए। वैसे तो हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी औलाद की जिंदगी में हमेशा खुशी बनी रहे। इसी में सबकी खुशी है पूजा बेटा, खुश रहो। चलिए सुषमा जी। नहीं हो सकता, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकती, लेकिन मैं कैसे रोकूं सबको, क्या कहूं? देख अभी देर नहीं हुई है, चल चल कर सबको सच बता देते। ये तो क्या कह रही है अलका, वही जो तू सुन रही है। मुझे तो कब से तेरे रिश्ते वाली बात का पता चल गया था, फिर ना जाने किस डर से मैं तुझसे ये बात कह ही नहीं पाई। पर अब जब तुझे सब पता लग ही गया है, तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना मेरी वजह से तेरी और आलाप की लाइफ खराब हो जाएगी और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूंगी। अलका, जब तक हम तेरे उस गुनहगार को नहीं ढूंढ लेते ना, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो इंसान पता नहीं कब मिलेगा, तब तक तेरी शादी हो जाएगी। अलका, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, बदलना होगा, बदलना होगा। चुप रह के बहुत तकलीफ सह ली, अब और नहीं। लेकिन अलका, नहीं पूजा, कल भी तूने मुझे रोक लिया था, मेरी इस मुसीबत का बोझ मैं तुझ पे और नहीं डाल सकती, तेरे नासों का भार नहीं उठा सकती मैं। इससे पहले मैं टूट जाऊं, अपने दिल में दबे इस राज का अब मैं खुलासा कर देना चाहती हूँ। पूजा को भी लड़का पसंद आ गया है, अब बस ये रिश्ता पक्का हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
जानती हैं दीदी, कहते हैं कि बहुत खानदानी लोग हैं। ये बता रहे थे कि आसपास के गांव में इनका बहुत बड़ा नाम है। कहते हैं कि 100-125 सालों से इन लोगों ने लोन नहीं लिया, इतनी जमा पूंजी है इनके पास। मुझे क्या हुआ? मुझे आप लोगों से एक बात। वाली गली से अज्जू की माँ बोल रही है। मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए।